हेलो दोस्तों, मैं हूँ रविंद्र सिंह आपका भाई। और ये वीडियो रिगार्डिंग है एसएससी जीडी फिज़िकल के, जो भी चल रहे हैं। 23 तारीख से स्टार्ट हुए। मेरा फिज़िकल 25 तारीख को था, अजमेर GC1 CRPF के अंदर। तो उस सेंटर के बारे में और वहाँ पे उस उनके बारे में थोड़ी चीज़ बताना चाहूँगा, जो आपको बेनिफिट करेगी आपके फिज़िकल के टाइम पर। अगर आपका फिज़िकल CRPF GC1 में है, और आपको बेनिफिट करेगी ये चीज़ अगर आपका फिज़िकल कहीं और भी है, तो उस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। क्योंकि अब बताता हूँ पहले CRPF GC1 के बारे में पर्टिकुलरली, कि वहाँ का जो ग्राउंड है 400 मीटर ग्राउंड है। सब आपने वीडियो देख ली होगी, एकदम मस्त ग्राउंड है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से होड़े होड़े काटोगे हो जाएगा आपका राउंड। जिन जिन बंदों का टाइम 25 मिनट भी आता है, वो वहाँ पर जा करके 24 मिनट के अंदर अपना टाइम निकाल सकते हैं। तो फिर वहाँ पर क्या हो रहा है, पहले PST हो रहा है इस बार। हमेशा क्या होता है, पहले PET मतलब रनिंग पहले होती है, फिर हाइट वेट होता है। इस बार हाइट पहले कर रहे हैं, जो बच्चे हाइट में बाहर हो जा रहे हैं उनका रनिंग नहीं हो रहा, PET नहीं हो रहा है। तो मेरा जो हाइट है वो घर पर जब हम नापते हैं 170.5 बैठता है। इससे पहले मैंने CISF HCM का भी फिज़िकल दिया था, उसमें मेरा हाइट 170.5 बैठा था, ठीक है। तो जब मैंने CRPF GC1 में दिया, तो मेरा हाइट वहाँ पर 169.5 ही बैठा है उन लोगों ने। तो वो 1 सेंटीमीटर का गायब हो गया हाइट मेरा। तो वहाँ पर मुझे गड़बड़ लगी एक चीज़, कि भाई वहाँ का जो हाइट मेज़रमेंट का जो स्टैंड था, उसमें नीचे के 2 फीट तक मेज़रमेंट लिखा हुआ ही नहीं था। उस 2 फीट के ऊपर मेज़रमेंट लिखे हुए थे, जो मुझे थोड़ी सस्पिशियस चीज़ लगी। क्योंकि मेरी हाइट फिक्स बैठी थी, और मेरे बैच के अंदर 100 बंदे बुलाए थे, इसमें 70 बंदे आए थे, उसमें 14 बंदों को तो डिस्कवालीफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, कम हाइट करके। और उन 14 बंदों में से 9-10 बंदों से मेरी पर्टिकुलरली बात हुई, वो सब बोल रहे थे कि हमारी हाइट घर पर 170 सेंटीमीटर बैठ रही है। तो ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, या फिर हो सकता है कि मैंने कुछ गलती की हो हाइट। शायद कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे सीधा खड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसे गर्दन झुका करके खड़ा होना चाहिए, है ना। मैंने मेरी तरफ से ट्राई किया था, लेकिन वहाँ पे नहीं बैठी मेरी हाइट, तो मुझे निकाल दिया। और मेरे मार्क्स जो हैं इसके अंदर 146.3 समथिंग मेरे मार्क्स थे। तो अगर फिज़िकल होता तो आराम से हो जाता, फिज़िकल तो कर लेते, पर अगर PST क्वालिफाई होता तो शायद कुछ ना कुछ तो मिल जाता। फिर घर पर आया तो कुछ लोगों ने बोला, दोस्तों ने बोला कि केस वगैरह के कुछ कर लो, लेकिन फिर मैं केस वगैरह का तो शायद मेरे दिमाग में ज़्यादा मैं रखूँगा नहीं, क्योंकि कुछ भी होना जाना नहीं है। ज़्यादा लगे हो गए, भर्ती लेट हो जाएगी, वापस कराएंगे, को मतलब निकलेगा नहीं। वो मेरा GD की तरफ ज़्यादा रुझान मेरा था भी नहीं। जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, वो शायद समझ सकते इस चीज़ को। तो यही है कि अगर आपका GC1 में है पर्टिकुलरली, तो जब आपकी हाइट नपे, तो पहली बार जब आप हाइट दो तो अच्छे से देना हाइट, ऐसे गर्दन ऐसे झुका करके, ताकि ये हाइट आपकी बढ़े। सीधे रहोगे तो आपकी हाइट थोड़ी कम आती है, दिखा दूँ आपको, ऐसे खड़ा करके हाइट थोड़ी कम है, लेकिन जैसे गर्दन उठाऊंगा तो ये हल्की सी आधा सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर का आपके फ़र्क आ जाता है हाइट के अंदर। तो आप हाइट नापते समय इसे देखें। और ये भी है, जैसे जोधपुर सेंटर से मेरे दोस्त आया गया था, वहाँ पर चेस्ट के अंदर ही बंदों को निकाल रहे थे। तो चेस्ट भी अगर आपका नहीं है, तो पुशअप वगैरह लगा लो अगर कुछ दिन बचे हैं, और नहीं बचे हैं तो वहाँ पर पहले पुशअप लगा लेना। चेस्ट नपने जस्ट पहले 30-40-50 पुशअप लगा लेना, चेस्ट फूल जाएगा। तो यही बात है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो PST के अंदर बाहर हो गए, तो PET आपको दौड़ने देंगे नहीं, चाहे आपकी दौड़ कितनी अच्छी हो, चाहे 22 मिनट में दौड़ मारते हो, चाहे 21 मिनट मारते हो, कोई मतलब नहीं निकलेगा उस चीज़ का। आराम से देना, कूल माइंडेड होकर के, हाइट में बाहर मत होना भाई। जिसकी 170 भी हाइट है, पूरा अच्छे से स्ट्रेच करके देना, ताकि स्ट्रेच करोगे तो आपकी बैक बोन्स के अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं वो खुलेंगे, आपकी हाइट थोड़ी सी बढ़ करके आ सकती है। मुझे चीज़ पहले पता नहीं थी कि स्ट्रेचिंग करने वगैरह से थोड़ा सा हाइट में फ़र्क पड़ता है, मुझे पता नहीं थी। अगर पता होती शायद मैं भी कर लेता, पता नहीं थी, कोई बात नहीं। आप लोग जाएँ तो बिल्कुल इसको करिएगा। और जिन जिन लोगों का CRPF GC1 में है, वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता भी सकते हैं कि हाँ भाई, वहाँ का जो हाइट मेज़रमेंट का जो वो स्केल था, उसके नीचे 2 फिट का जो था मार्किंग हो नहीं रखी थी। मुझे तो देखो थोड़ी जस्टिफाइड लगी नहीं थी वो चीज़, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ क्या करता, मुझे ज़्यादा लेन देना था भी नहीं वैसे GD वाले एग्ज़ाम से। तो बस यही है इतना इसकी वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।